आकाशवाणी लखनऊ है। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए पीलीभीत और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। पीलीभीत जनपद में गन्ने का मौजूदा पेराई सत्र काफी अच्छा रहा। जनपद में गन्ने की रिकॉर्ड पेराई करके चीनी का अच्छा उत्पादन किया जा चुका है। पीलीभीत जनपद में गेहूँ की कटाई तेजी से चल रही है। किसान अपना गेहूँ कटवाने के बाद सरकारी क्रय केंद्रों पर ले जा रहे हैं। मंडियों में ट्रालियों की कतार लगी हुई है। गेहूं का समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने को कहा गया है। कई जगह खेतों में आग लग जाने से काफी अधिक रकबे में खड़ी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो चुकी है। पीलीभीत जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की धूम मची हुई है। गांव-गांव चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। जिला प्रशासन भी चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। तीसरे चरण में शामिल पीलीभीत जनपद में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए 13 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 15 अप्रैल तक चलेगी। 16 व 17 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 18 अप्रैल को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। पीलीभीत में जिला पंचायत के 34, ग्राम प्रधान पद के 720, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 845 और ग्राम पंचायत सदस्य के 8,881 पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। कुल 12,79,302 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव के लिए जनपद भर में 904 मतदान केंद्र और 2,056 बूथ बनाए जा रहे हैं। जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे निर्वाचन प्रक्रिया पर पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने नामांकन प्रारंभ होने से पूर्व सभी विकास खंडों में जाकर नामांकन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत का अध्येता प्रमाण पत्र प्रत्याशियों को नामांकन के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके चलते इन संस्थाओं का बकाया भी वसूल हो रहा है। इन संस्थाओं ने अपनी बकाया सूची सार्वजनिक करते हुए लोगों से बकाया जमा करने की अपील भी की है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। आदेश में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि कारखानों व निजी प्रतिष्ठानों के कर्मकारों को भी मतदान के दिन अवकाश दिया जाए। मतदान कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और चुनाव की सारी तैयारियां दुरुस्त कराई जा रही हैं। पीलीभीत जनपद में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। जिले की पुलिस द्वारा बिना मास्क घूमने वालों का प्रतिदिन चालान किया जा रहा है और उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक क्रीट कुमार स्वयं इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने भी जनता से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड-19 टीकाकरण कराया जा रहा है। जनपद में अब तक 1,02,000 से अधिक लोग टीका लगवा चुके हैं। इनमें से करीब 92,000 लोग पहली खुराक ले चुके हैं जबकि दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 12,000 से अधिक है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु पीलीभीत जनपद में पेट्रोल पंपों पर बिना मास्क के डीजल पेट्रोल न देने के निर्देश जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जारी किए हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर पीलीभीत शहर के 25 दर्जन पेट्रोल पंपों पर जिला पूर्ति अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम द्वारा छापामारी करके बिना मास्क डीजल पेट्रोल का वितरण करने वाले पेट्रोल पंपों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में जुर्माने की राशि और बढ़ा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंप स्वामियों की बैठक लेकर बिना मास्क डीजल पेट्रोल न देने की बात कही। जनपद के उन सभी कार्यालयों में जहां 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां 2 पालियों में काम लेने तथा 50% लोगों को वर्क टू होम करने तथा कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित करने को भी कहा गया है। शादी विवाह व अन्य आयोजनों के लिए भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की।